समाधान सम्मान्य मेरे बड़े भाई श्री शंभु हलचल जी, और एक सत्यता में आपको और बता रहा हूँ जो आज मैं इस मंच पर खड़ा हूँ। आज से 7 साल पहले एक मैंने आपका कार्यक्रम देखा था, मेरे गांव के पास गोहंड में आपका कार्यक्रम हुआ था श्रीमती गुड़िया जी के साथ। तभी से मैंने ठाना था कि एक दिन मैं भी कीर्तन कलाकार बनूंगा, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज मैं इतने बड़े मंच पर पहुंचूंगा। कभी मेरे परम पूज्य गुरुदेव सम्मान्य श्री देवेंद्र तिवारी जी, आपके चरणों में हृदय से प्रणाम करता हूं। मेरे परम पूज्य कवि गुरु सम्मान्य श्री रामकृष्ण नन्ना भागवत आचार्य झांसी, आपके भी चरणों में हृदय से प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य गुरुवर श्री लालचंद दीक्षित जी, आपके भी चरणों में हृदय से प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी कलाकारों के चरणों में हृदय से प्रणाम करते हुए सभी का आशीर्वाद लेते हुए प्रांगण में जितने भी हमारे श्रोता बंधु पधारे हैं सभी के चरणों में मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आइए ज्यादा कुछ न कहते हुए सीधे अपनी गीत की ओर। इंसानियत इंसान को कहना, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। कहना है कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, और लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, क्योंकि लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने के लिए। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने के लिए, एक सच्ची आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। कहना क्योंकि श्रद्धा का विधिवत बिरन भैया, श्रद्धा का विधिवत विधान कहाँ मिलता है, मंदिरों में भगवान कहाँ मिलता है। श्रद्धा का विधिवत विधान कहाँ मिलता है, मंदिरों में भगवान कहाँ मिलता है। पूजते हैं इस कारण उस पत्थर को हम, क्योंकि पूजने योग्य इंसान कहाँ मिलता है। आइए गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, बिल्कुल कम समय में अपनी बात पूरी करूंगा। क्या अरे नजर के सामने जिगर के पार, हम अपने बेटा भी क्या हो गई है पूछो मेरे दिल से। कहना और बेटा भी क्या हो गई है पूछो मेरे दिल से, और अरे तन्हा तन्हा लौटा हूँ सपनों भरी मैं दिल से, और मरना जा सबसे पहले हमारे बड़े भाई सम्मानित श्री बेधड़क जी एक बहुत सुंदर सा गीत सुनाकर गए थे। और ये
ये मेरे लिए बहुत मुलाशीबाद परम आदरणीय परम सिद्ध मेरे परम पूज्य गुरुदेव जिनकी कृपा से आज मैं इस मंच पर खड़ा हूँ। परम आदरणीय परम पूज्य पंडित श्री देवेंद्र कुमार तिवारी जी बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं आप और इस कार्यक्रम के आप विशिष्ट अतिथि भी हैं। आपके करकमलों से इस नाचीज को ये बहुमूल आशीर्वाद मिला है। आपके चरणों में मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। और ये जो मेरे इस कीर्तन के प्रेरक हैं प्रमादणी सम्मानी बड़े भैया श्री शंभू हलचंद जी, आपकी ओर से भी ये एक से एक मुद्राओं का बहुमूल आशीर्वाद है। आपके इसी चरणों में मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ कथानक पे लेकर चल रहा हूँ। हनुमान जी तुमने कौतुक किए कमाल, हनुमान जी तुमने कौतुक किए कमाल, और रावण भी जिनकी तुमसे डरता कितने भी कठिन काम तुमके नाम कर दिए। श्री हनुमान जी महाराज ने कठिन से कठिन कार्य तुमके नाम कर दिए। कितने भी कठिन काम तुमके नाम कर दिए, और जो कर सके न कर वो तुमके नाम कर दिए। सोचो शनि के आगे सिल पर मेघ गाड़ दी, लंका में अमर सेना की हुलिया बिगाड़ दी। और तुम में अपार अनुपम सी भाव भक्ति थी, तुम में अपार अनुपम सी भाव भक्ति थी। हनुमान आदि देव तो तुम आदि शक्ति थी, तुम अरे कपि का अवतार ले से उठान टानी है भगवान भूत भावन से, यूं बोली भवानी है। जिस समय भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती से कहा, देवी अयोध्या में मेरे प्रभु ने जन्म ले लिया है, अब मुझे उनकी सेवा में जाना है, अतः अब मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। जब ये बात कही तो माता पार्वती अपने स्वामी भगवान भोलेनाथ से करी है, स्वामी आपकी ये दासी आपसे एक निवेदन कर रही है, सुनिए आप लोग। अरे प्राणी मेरे बसते सदा माता पार्वती अपने स्वामी भगवान भोलेनाथ से कह रही हैं, स्वामी आप कह रहे हैं कि अब मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता, तो आपकी दासी आपसे एक निवेदन कर रही है क्या? अरे प्राणी मेरे बसते सदा, अरे प्राणी नाथ बस तुम में, क्योंकि लिखा है कि जन्म कोट लग रगर हमारी बराऊ समुन्नत रहूं कुमारी, इसलिए स्वामी और प्राणी मेरे बसते सदा प्राणीनाथ बस तुम में, और आप कह रहे हैं कि मुझे बानर बनकर प्रभु की सेवा में जाना है, तो बस एक निवेदन है मेरा, अरे आप बनो बानर पिया बनो तुम्हारी तुम में।
उसी समय माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। बोलिया रहो न सामने चलो न साथ, क्योंकि एक नारी से फली न तुम तुम तुम। रहो न सामने चलो न साथ, रहो न सामने चलो न साथ, रहो न सामने चलो न साथ। आइए पहली बात, रहो न सामने चलो न साथ, क्योंकि एक नारी से भली न तुम। आइए दूसरा प्रश्न सुनिए आप लोग। अरे तुम की अतिशय शक्ति थी, अरे तुम की अतिशय शक्ति थी श्री बजरंग बली में, जिस समय हनुमान जी महाराज को लंका में बंदी बना लिया। काफी तर्क वितर्क हुआ रावण के दरबार में, बाद में निर्णय निकाला कि जाओ बानर की पूंछ में आग लगवा दो। जब ये आदेश रावण ने दे दिया तो हुआ क्या? तुम की अतिशय शक्ति थी श्री बजरंगी बली में, और जिस समय हनुमान जी महाराज की पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे, तेल डालने लगे, अरे तुमके दुश्मन देखते तुमको गली गली में। मच गई खलबली, सारी लंका में खलबली मच गई। मच गई खलबली सारी लंका जली, क्योंकि सारी लंका तो जल गई, लेकिन सहायक आपके सदा रघुनाथ, जिनके सहायक रघुनाथ दो भलाओं का कभी अनर्थ हो सकता है। सहायक आपके सदा रघुनाथ किसी चिंगारी से चली न तुम तुम। क्योंकि किसी चिंगारी से जली ना दूं। इन्हीं पंक्तियों पर ये एक से एक मुद्रा को बहुमूल्य आशीर्वाद परमादरणीय सम्मान्य भैया श्री मनोज त्रिवेदी जी प्रधान जी हैं आप, ग्राम चिंता खेड़ा भोजपुर रायबरेली से बता रहे हैं। आपके कार्यक्रमों से अमूल्य आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, आपका आशीर्वाद मैं सिरोधार करता हूँ। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दूसरा टुकड़ा सुने आप लोग। अरे पुष्प चयन को जा रहे देखे, जिस समय भीम को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया, कन्हैया जान गए कि भीम को अपने बल पर अहंकार हो गया है। उन्होंने हनुमान जी महाराज को बुलाया और हनुमान जी महाराज से कहा भी कि हनुमान जी महाराज, हनुमान जी भीम को अपने बल पर अहंकार हो गया है, अब आपको जाकर उनका अहंकार नष्ट करना है। अब ये कैसे करना है ये आप जानो।
जब ये बात नहीं तो हुआ क्या? क्या? अरे पुष्पु चयन को जा रहे थे कुंती के बेटे, लेकिन रास्ते में तुम फैला कर राह में थे दुम्बाले। हनुमान जी महाराज बूढ़े बानर का वेश बनाकर लेट गए, और जैसे ही भीमसेन पहुंचे तो उन्होंने कहा, बानरराज जिस रास्ते में आप लेट गए हैं आपकी पूंछ आ गई है। कुक्की भाई आप जाओगे नहीं? कुक्की भाई, कुक्की नेता बैठ जाइए, इसी कुर्सी बैठ जाइए आप, अगर गए तो ये समझ लो पद छिन जाएगा तुम्हारा। तुम तीनों लोग बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? अभी सुबह नहीं खुला होगा भाई, अरे कहे उलझन ले रहे हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इसी जगह बैठ जाओ। हाँ जय जय। भीमसेन कहने लगे, बानरराज जिस रास्ते में आप लेटे हैं आपकी पूंछ आ गई है, उसी रास्ते से मुझे आगे निकलना है, कृपा कर आप अपनी पूंछ को हटा लें। जब ये बात कही तो हनुमान जी महाराज जो बूढ़े बानर के वेश में लेटे हैं, उन्होंने कहा बलवान मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, अब मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, ऐसा करो तुम ही अपने हाथों से इस पूंछ को हटा दो और निकल जाओ। और जब ये बात कही तो हुआ क्या? अरे तुम फैला कर राह में थे दुम्बाले लेटे। जब ये बात कही कि तुम ही अपने हाथों से हटा दो तो हुआ क्या? दम जुटा सहस गज पल वाले थक गए। हाँ जिन हाथों में हजार हाथियों की शक्ति है, आज वही हाथ उस दुम को नहीं उठा पा रहे हैं, तो यहाँ कह रहा हूँ क्या? सहस गज पल वाले थक गए। हाँ भीम बलिदारी से हिली न तुम सहस गज बल वाले थक गए। बली की जय। और यदि इस गीत के माध्यम से मुझसे कहीं दूरतियां हो तो आप लोग क्षमा करेंगे, क्षमा का प्रार्थी धन्यवाद है। आइए, धन्यवाद। बहुत सुंदर सी प्रस्तुति रही है। धर्मेंद्र शर्मा जी, मृत्युंजय द्विवेदी जी, आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए दरबार में आ जाएं। सम्मानी दादा लालचंद दीक्षित जी के माध्यम से ये आखिरी प्रस्तुति इस जनमानस के बीच में होगी, और दादा एक आप अपनी प्रस्तुति कर दें। हाँ।